हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज हिंदी। फ्रेंड्स, आज के पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 6 के मल्टीपल में प्लस 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा 6 के मल्टीपल में और 9 एक्स्ट्रा फंदे हम लेंगे। देखिए, दो रोज के बाद 8 रोज का ये पैटर्न है। जो फर्स्ट रो है पैटर्न की, फर्स्ट स्टिच हम स्लिप कर लेंगे, अगले दो स्टिचेस को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर 3 सीधे, 3 उल्टे, 1 2 3, 3 सीधे 3 उल्टे, इस तरह से बुनते जाएंगे। अब 3 सीधे 3 उल्टे, तीन सीधे, लास्ट में हमारे पास जो 3 रहेंगे इनमें से हमने 2 उल्टे बुनने हैं और जो लास्ट वाला है इसे सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो में हमने, देखिए, इसे स्लिप कर लेंगे हम पर्ल वाइज। ये 2 सीधे दिख रहे हैं, इधर उल्टे बुने थे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3, तो 3 सीधे 3 उल्टे, देखिए 3 उल्टे, इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, 3 सीधे 3 उल्टे। यहाँ पे फिर 2 सीधे रहेंगे और क्योंकि हमारी उल्टी साइड है, ये रॉन्ग साइड है, लास्ट को हमने उल्टा ही बुनना है। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, देखिए, रो थर्ड में फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लिया, इसे उल्टा बुना, धागा पीछे को ले गए। अब इन दोनों को हमने, एक उल्टा और एक सीधा है, इन्हें हमने एक साथ बुन लेना है सीधा, इस तरह से। अब जाली लेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक सीधा बुनेंगे, फिर जाली लेंगे और फिर इस धागे, इस वाले फंदे को इस तरह से घुमा के और बैक लूप से इस तरह हम इन दोनों को फिर से एक साथ सीधा बुन लेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे एक साथ, फिर जाली, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर इसे घुमा के बैक लूप से 2 एक साथ सीधे बुन लेंगे, फिर एक उल्टा, फिर 2 एक साथ, इस तरह से ये बुनते जाएंगे हम, जाली बना के सीधा, फिर जाली, फिर इसे बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा, फिर एक उल्टा और लास्ट में एक सीधा। तो ये रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ में हमने इसे उल्टा जो है स्लिप कर लेंगे, अब इसे हम सीधा बुनेंगे, देखिए, फिर ये देखिए इसे हमने उल्टा बुनना है, एक उल्टा बुन लिया। अब ये जो जाली है और एक जो ये हमने सीधा बुना था और एक ये वाली जाली, इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और 3। अब हम 3 उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 3 उल्टे, 1 2 और लास्ट वाला 3, ये देखिए। अब नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, देखिएगा, अब हमारे बॉबल्स वाली रो आएगी। देखिए, उसमें हमने, देखिए, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट जो है स्लिप कर लिया, उसका दूसरे को उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे और ये देखिए, ये 3 उल्टे जो दिख रहे थे, जो सेंटर वाला है, इस पर हमने बॉबल बनाना है। देखिए, जैसे आपको अच्छा लगता हो बॉबल बनाना, वैसे आप बना सकते हैं अपने तरीके से भी। इस तरह से मैं बनाऊंगी, एक स्टिच को हमने इस तरह से 3 बार निट किया, धागा अपनी तरफ करके, 5 बन गए ये, 5 लूप्स। अब इन्हें हम इस तरह से निट कर लेंगे, ये देखिए,
फिर अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, सॉरी यहाँ पे ये देखिए ये फिर से बॉबल बनेगा, ये इस तरह से इसे हम घुमा के इजीली बनता है। थोड़ा इसको लूज रखेंगे हम, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इन 5 को लूप्स को हमने फिर से इस तरह से बॉबल बना लेना है, ये देखिए। फिर अगले को उल्टा बुनेंगे, फिर एक सीधा, तो इस तरह हम एक बॉबल यहाँ पे बना लेंगे और ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉबल बना के कंप्लीट कर ली है रो। अब यहाँ पे हमने इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और ये देखिए बॉबल वाला और इसके दो जो हैं साथ वाले इनको हमने सीधा बुनना है, 1, 2, 3। फिर तीन उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर तीन सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर तीन उल्टे, 1, 2, 3। फिर तीन सीधे, 3। लास्ट में हमारे पास 3 उल्टे रह जाएंगे। तो देखिए रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में हमने देखिए इसे हम स्लिप कर लेंगे, अगले को हमने उल्टा बुनना है। अब हम यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, देखिए ये जो दो स्टिचेस हैं इन्हें हमने एक साथ बुनना है अब इस तरह से सीधा, और धागा क्योंकि हमने उल्टा बुना था अपनी तरफ ही रहने देंगे, और जब हम इसको इस तरह से बुनेंगे तो ये खुद ही एक जाली बन जाएगी छोटी सी इस तरह से। फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर दो सीधे एक साथ बुनेंगे ऐसे, फिर जाली बनाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे बैक लूप से, फिर एक उल्टा, फिर दो एक साथ। अब फिर यहाँ पे एक जाली बनेगी और ये उल्टा बुनना है हमने, तो या तो आप ऐसी भी जाली बना सकते हैं या फिर धागा ऐसे ही रहने देंगे और इसे उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये खुद ही एक जाली बन जाएगी और आगे एक हम सीधा। देखिए इस रो में हमने क्या करना है, इसे तो हम स्लिप कर लेंगे, अगले दो स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे, 1, 2। अब इन तीन को हमने उल्टा बुनना है, 1, 2, 3। और ये देखिए ये जाली और ये वाला जो सीधा हमने बुना था और ये जाली, इन्हें हम सीधा बुनेंगे जैसे हमने रो 4 में किया था, 2, 3। फिर तीन उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर तीन सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। तीन उल्टे, 2, 3। फिर तीन सीधे, 1, 2। और ये देखिए दो सीधे और उसके बाद ये वाला जो है क्योंकि हमारी रॉन्ग साइड है तो इसे हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब जो नेक्स्ट रो है देखिएगा, इसमें हमने यहाँ पे बॉबल बनाना है। अब ये हमारी बॉबल रो है फिर से जैसे ये थी, अब हमारे बॉबल्स जो हैं सेंटर इनके बीच में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसे हम पूरा भी बना सकते हैं और आधा भी बना सकते हैं क्योंकि ये साइड में रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए तीन जो है लूप्स का ही बनाऊंगी इसे इस तरह। फिर एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा,
एक सीधा, एक उल्टा, फिर यहाँ पे एक पूरा लूप बनाएंगे, हम पूरा बॉबल बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 1, 2 और ये 3, देखिए 5 लूप्स हो गए हैं। इन्हें हमने फिर से एक साथ बुन लेना है इस तरह से, देखिएगा। फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर बॉबल। तो इस तरह हम ये वाली रो भी फिर से बॉबल बना के और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी हमारे पास जो है एक छोटा बबल आ गया है जैसे स्टार्टिंग में आया था। अब नेक्स्ट रो में हमने देखिए इसे हम स्लिप कर लेंगे, 2 हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर 3 सीधे बुनेंगे, 1, ये बॉबल वाला जो है ये सेंटर में रहेगा 3 सीधे के, ये देखिए 2, 3, फिर 3 उल्टे, 3 सीधे, इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो नेक्स्ट रो है, जो रो 11th है हमारी, उसे हमने रो 3 की तरह स्टार्ट करना है। देखिए रो 3 में हमने यही किया था, इसे हमने स्लिप कर लिया था, नेक्स्ट को हमने उल्टा बुना था, फिर 2 को एक साथ बुना था इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनाई थी, एक सीधा बुना था, फिर धागा अपनी तरफ करके इन दोनों को एक साथ बुन लिया था। तो इस तरह से ये देखिए, ये रो हमने रो 3 से हमने स्टार्ट करनी है। तो रो 3 से लेके रो जो है हमारी 10th तक हम रिपीट करते जाएंगे, यही हमारा पैटर्न जो है वो चलता जाएगा अल्टरनेटिवली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है पैटर्न थोड़ा सा, देखिए इतना अच्छा लगता है ये बना के, पूरा बीड्स वाली लुक देता है और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के गारमेंट्स में और इवन लेडीज कार्डिगन्स में, फिर पर्सेस में, बैग्स वगैरह में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।